अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने आले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रिल फिश विद लेमन बटर गार्लिक सॉस। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अचानक से घर पर मेहमान आ जाए और ग्रिल फिश की डिमांड करें, ग्रिल फिश तो उसी सूरत में टेस्टी बनती है जब इसको मैरिनेट करके कम से कम 3 घंटे के लिए रेस्ट दिया जाए। लेकिन आज हम आपके साथ ग्रिल फिश की बहुत ही सिंपल और शॉर्ट टाइम में बनने वाली रेसिपी शेयर कर रहे हैं। जस्ट मैरिनेट करेंगे और साथ ही कर लेंगे ग्रिल। टेस्ट की भी टेंशन मत लें, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी, आपको भी पसंद आएगी और मेहमान को भी पसंद आएगी। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। फिश बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है फिश, बोनलेस फिश लेनी है। आप बेशक से रोहू फिश लें, उसको बोनलेस कर लें। बोनलेस करने की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, फिर भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सबसे पहले मैरिनेशन तैयार करते हैं। मैरिनेशन तैयार करने के लिए लेना है एक बाउल। बाउल में ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। आपके पास अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। 2 अदद एग, एग को इस तरह दरमियान में से ब्रेक करेंगे। एग योक को निकाल लेना है और वाइट एग को शिफ्ट कर देंगे बाउल में। अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 3 टेबलस्पून फाइन फ्लोर मैदा, 1 टीस्पून साल्ट। साल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून, लहसुन पाउडर की जगह भी आप लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। 1 टीस्पून वाइट पेपर, सफेद मिर्च। अगर आपके पास सफेद मिर्च नहीं है तो फिर आप इसकी जगह काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 लेमन का जूस। अब विक्स के साथ करना है अच्छे से मिक्स और थोड़ा सा ऐड करना है वाटर। थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, वाटर ज्यादा ऐड नहीं करना कि मैरिनेशन एकदम स्मूथली तैयार हो। मैरिनेशन रेडी है। अब लेते हैं फिश और 1 अदद लेना है फोर्क। फोर्क के साथ इस तरह आपने फिश के ऊपर कर लेने हैं होल ताकि मैरिनेशन अंदर तक जाए। जब आपने मैरिनेट करके फौरन से पकाना है तो फिर ये प्रोसेस लाजमी करना है। जो मैरिनेशन तैयार की है इस बैटर की कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। अब फिश को कर देंगे मैरिनेशन में डीप। अच्छे से मिक्स करना है, जो मैरिनेशन है फिश के अंदर तक चली जाए। फिश को कर लिया है मैरिनेट, मैरिनेट करके रख देते हैं साइड पर। बस इतना ही इसको रेस्ट देना है जितने हम सॉस तैयार करेंगे। सॉस तैयार करने में 5 से 7 मिनट लगेंगे और इतना ही इसको रेस्ट देना है। मैरिनेशन में 3 चीजें इस्तेमाल की हैं, अंडा, मैदा और कॉर्नफ्लोर। ये तीनों चीजें ही बाइंडिंग एजेंट है और इसकी वजह से फिश जलेगी भी नहीं और जब पककर तैयार होगी ऊपर से क्रिस्पी होगी। बहुत ही टेस्टी और मजेदार फिश बनने जा रही है। अगर आप भी चाहते हैं टेस्टी मजेदार ग्रिल फिश मिनटों में तैयार करना तो फिर वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। लेमन बटर गार्लिक सॉस तैयार करते हैं। लेमन बटर गार्लिक सॉस तैयार करने के लिए लेना है लेमन जूस। लेमन जूस 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे फ्राई पैन में और फ्लेम को कर देंगे ऑन। फ्लेम को रखना है मीडियम। लेमन जूस गर्म होते ही ऐड कर देंगे बटर, बटर 50 ग्राम। बटर को कर लेना है मेल्ट। बटर मेल्ट हो चुका है, अब ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून मैदा फाइन फ्लोर और साथ ही स्पैचुला को चलाते रहना है। स्पैचुला को चलाते रहेंगे तो लम्स नहीं बनेंगे, अदरवाइज जैसे ही आपने बटर में मैदा ऐड करना है तो लम्स बन जाएंगे। मैदे की कर लेनी है भुनाई। 2 मिनट के लिए आपने लो फ्लेम पर इसी तरह चलाते रहना है और अब ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क को थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है, थोड़ा सा मिल्क ऐड किया और फिर उसके बाद अगेन थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देंगे। अब मजीद मिल्क ऐड करेंगे। अब ऐड कर देना है सारा मिल्क। मिल्क लिया है 200 ml। कुक होते हुए 4 मिनट हो चुके हैं, इस टाइम पर फ्लेम को करना है वेरी लो और सॉस को डाल लेंगे ब्लेंडर में। ब्लेंडर में डालकर
सॉस को स्मूथली ब्लेंड कर लेना है, एक मिनट के लिए ब्लेंड करना है। सॉस ब्लेंड करने के बाद एकदम स्मूथली भी है और टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त आया, और कंसिस्टेंसी। फ्लेम को रखना है लो। अब इस टाइम पर ऐड करेंगे लहसुन पाउडर, लहसुन पाउडर हाफ टी स्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, ओरिगैनो हर्ब क्वार्टर टी स्पून। करना है अच्छे से मिक्स। ऐड करना है साल्ट, साल्ट टू टेस्ट। फ्लेम को कर देना है ऑफ। फाइनली इस टाइम पर सॉस तैयार है। ये टेक्सचर होना चाहिए। ब्लेंड यहाँ पर किया है, अगर आप इसको ब्लेंड ना करते तो बटर ऊपर नजर आता, अब बटर इसमें नजर नहीं आ रहा। परफेक्ट सॉस तैयार हुई है। फिश को करते हैं ग्रिल, ग्रिल पैन में भी ग्रिल कर रहे हैं और साथ ही फ्राई पैन में भी। मैरिनेट करके 3-4 घंटे के लिए नहीं रखा था, सिर्फ इतनी देर मैरिनेट करके रखा है जितनी देर में सॉस तैयार की है, 5 से 7 मिनट। फ्लेम को कर देना है लो, और लो फ्लेम पर फिश को ग्रिल होने देना है। 5 से 7 मिनट एक साइड ग्रिल करनी है और 5 से 7 मिनट दूसरी साइड। अब ऊपर से कर देते हैं कवर, और कवर करने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए होने देते हैं ग्रिल। ग्रिल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, हटाते हैं कवर और साइड को कर लेते हैं चेंज। देखे व्यूअर्स, 5 मिनट में ही एक साइड ग्रिल हो चुकी है। अब दूसरी साइड को भी 5 मिनट के लिए ग्रिल करना है। करते हैं कवर और दूसरी साइड को भी 5 मिनट के लिए ग्रिल होने देते हैं। दूसरी साइड को भी ग्रिल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, हटाते हैं कवर। देखे व्यूअर्स, क्या जबरदस्त कलर आया है। ये फ्राई किया है हमने फ्राई पैन में, दोनों साइड पर चॉक कलर आ चुका है। चले जी, अब ग्रिल वाली देखते हैं। अब ग्रिल वाली फिश को भी शिफ्ट कर देंगे फ्राई पैन में, क्योंकि अब सॉस के साथ कुक करना है। अब फिश में ऐड करनी है लेमन बटर गार्लिक सॉस जो अभी तैयार की थी। फिश को वेरी लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए कर लेते हैं कुक। इतने दूसरी साइड पर तैयार करते हैं शैलो फ्राई वेजेस। फ्राई पैन में थोड़ा सा डालना है ऑयल। फ्राई पैन को ग्रीस करने के बाद ऐड करेंगे वेजेस, शिमला मिर्च, बीन्स और गाजर। अगर ब्रोकोली का सीजन हो तो ब्रोकोली को वेजेस में लाजमी ऐड कीजिएगा, फिश के साथ सबसे बेस्ट कम्बिनेशन है ब्रोकोली का। वेजेस को शैलो फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, बस फ्लेम को कर देना है ऑफ। और दूसरी साइड पर फिश भी तैयार है, फिश भी तैयार है, वेजेस भी तैयार हैं। अब करते हैं सर्व, फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। व्यूअर्स, फिश आप लाजमी खाया करें, अब तो सीजन है, सर्दियों का मौसम स्टार्ट है, तो फिश को भी आप स्टार्ट कर दें। वैसे भी आपने वीक में एक दफा फिश लाजमी खाया करें, सर्दी हो या गर्मी। फिश के हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। फिश में आयरन, प्रोटीन, आयोडीन, ओमेगा 3, ओमेगा 6, फैटी एसिड, विटामिन डी, सेलेनियम, जिंक, विटामिन B12 जैसे अज्जा पाए जाते हैं। फिश की स्किन भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। फिश की स्किन दिल की बीमारी, कैंसर, फालिज के अटैक से भी बचाती है। फिश ब्लड प्रेशर, स्किन, जिस्म में कमजोरी और दिल के मरीजों के लिए काफी मुफीद है। ऊपर से स्प्रिंकल करना है पार्सले, पार्सले ना हो तो फ्रेश धनिया भी ऐड कर सकते हैं। फाइनली इस टाइम पर ग्रिल फिश विद लेमन बटर गार्लिक सॉस रेडी है। गार्निश तो कर लिया, अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। साथ वेजेस भी लेनी है, लेमन को ऊपर से निचोड़ लेना है। पहले अबू बकर को टेस्ट करवाते हैं और फिर हम खुद टेस्ट करके बताते हैं आपको। चलो फ्राई वेजेस भी साथ लेनी है। वेजेस क्यों ले रहे हो? मजा ले रहा हूँ। मजा खा लूँगा। वाओ, कमाल व्यूअर्स, क्या जबरदस्त ग्रिल फिश बनी और टेस्ट लाजवाब। आप एक दफा इसको बनाएंगे, बच्चे भी, बड़े भी और मेहमान भी बार बार फरमाइश पे आपसे यही फिश बनवाएंगे। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचे, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।